सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू द ब्रांड न्यू अदर एपिसोड ऑफ क्लैशिंग केव। तो दोस्तों, आज वाली स्टूडियो में हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जो कि टनल 9 से होगा। ऑल मास गोलम्स विथ रेज स्पेल, वो भी रेज स्पेल भी मास होगी, मतलब सारे के सारे गोलम और सारे के सारे रेज स्पेल से हम लोग एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, जो कि मेरी पिछली वीडियो में एक व्यूअर ने मुझे रिकमेंडेशन दिया है, फैन रिकमेंडेशन है, वो कमेंट है उसमें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी को आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो में बहुत मज़ा आएगा दोस्तों, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाजू वाले बेल आइकन को दबाइए। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो गाइस, यहाँ पे आप हमारी आर्मी भी देख सकते हैं, यहाँ 7 गोलम और 4 का स्पेस बचा था इधर, तो मैंने 2 विजार्ड एक मतलब क्लीनअप के लिए उतना ले लिया समझ लो, और सीसी में 6 बारबेरियन काउन भर दिया, 4 बॉलर, फिर भी बारबेरियन कोई गलत नहीं है, क्वीन हीरोस मेरे देख सकते हैं आप इतने लेवल के। तो चलिए हम लोग अटैक पर चलते हैं बिना वक्त गवाए। तो दोस्तों, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मुझे तो लग रहा है कि सिर्फ डिफेंस को ही तोड़ेगा, मुझे इतना लग रहा है। चलिए फर्स्ट बेस पर अटैक करना है। टानहोल को क्या हम लोग ले सकते हैं मास गोलम्स के साथ? चलिए चेक करते हैं। रेज स्पेल देख के तो कोई फायदा नहीं होगा, फनल हमें बनाना है कम ट्रूप्स के साथ। तब तक टैंकिंग कर रहे हैं, गोलम्स की कमी नहीं हमारे पास, इसीलिए आराम से फनल क्रिएट करेंगे हम लोग। यहाँ पे हमारे पास बॉलर्स हैं, तो चलिए देखते हैं हम लोग टानहोल को ले सकेंगे कि नहीं ले सकेंगे, यही देखना है हमें इसे अटैक में। एक और गोलम छोड़ते हैं यहाँ से, क्लैन कैसल को भी डिप्लॉय करेंगे, बस फनल प्रॉपर फनल, कहीं ट्रूप्स बाहर ना जाए इसका हमें ध्यान रखना होगा दोस्तों। पहले इधर से एक गोलम डाल देते हैं, होप श्योर करते हैं कि सारा डैमेज गोलम सब ही ले, और ये क्वीन की एबिलिटी पॉपअप कर देनी होगी, और यहाँ से बॉलर छोड़ देते दोस्तों, मुझे लग रहा है यही सबसे सही समय है। अगर बॉलर अंदर जाने के अलावा और कोई सिवाय रास्ता ही नहीं, अरे एक बॉलर चला गया, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, लेकिन मेरे ख्याल से अंदर जाने के सिवा बॉलर्स के पास कोई रास्ता नहीं है। ऑल गोलम्स विथ रेज, क्या दिख रहे हैं यार, मज़ा आ गया देख के सीन। चलो टनल तो हम लोगों ने ले लिया, उतना समझिए कि एक स्टार आप कर सकते हैं, लेकिन क्लैन के असल में अच्छे ट्रूप्स होने चाहिए, बस ये बात याद रखिए। और यहाँ एक रेज देते हैं, क्योंकि रेज बचा के भी क्या करेंगे यार, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें कुछ बचाना नहीं हमें। ओ जायंट बॉम्ब, या एक पॉइजन और एक रेज, क्या और एक स्टार ग्रैब कर सकते हैं हम लोग? चलिए देखते हैं क्या होगा। आर्चर क्वीन के ऊपर, चलो ठीक है, आर्चर क्वीन डाउन, एक किंग बचा है हमारा, एक बॉलर बचा है, इधर से डाउन हो रहा है। यस, लगता है मुझे एक और एक स्टार हमें देखने को मिल सकता है इस गेम में, लेकिन अब थोड़ा मुश्किल होगा, गोलम बॉलर्स, एक बॉलर अंदर आएगा तब ना, अब कोई बिल्डिंग ही तोड़ देना बहुत मुश्किल हो गया है गोलम्स के लिए। चलो फिर भी वेट करते हैं, 50 सेकेंड्स हैं अभी, क्या पता देखने को मिल जाए हमें, बस एक टेस्ला फार्म और ये वाल टूट जाओ, इस गोलम के पास टूट सकती है वाल, यहाँ से वाल टूट जाए तो टेस्ला एक मिल जाएगा, तो कुछ बात बन सकती है। चलो फाइनली गोलमाइट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं गोलम, लेकिन यार बहुत मुश्किल है गोलम्स के लिए, डैमेज देना बहुत मुश्किल है, लेना बहुत आसान है, दूसरे का डैमेज लेना कितना भी डैमेज सोक कर सकते हैं, लेकिन देना बहुत मुश्किल है गोलम्स के लिए डैमेज। ओ ये 2 स्टार हो जाता दोस्तों, ये रिजल्ट आपने देखा दोस्तों, क्या रिजल्ट आता है, जिसने भी ये कमेंट किया था और उसको उसका रिजल्ट मिल चुका है, आई होप श्योर। अगर आपको इससे श्योरिटी नहीं मिल रही है तो टाउन 11 से अगर आपको श्योरिटी चाहिए, क्या ये देखने को मिल सकता है? और एक अरे यार स्पेल फैक्ट्री, बस जरा सा 49, मतलब समझिए यार 2 स्टार कंफर्म हो सकते हैं, 2 स्टार क्लैन कैसल में अच्छे ट्रूप्स होने चाहिए, फलन बनाने चाहिए, बस यही था रिजल्ट जो आपने देखा अभी। तो टनल 11 से अगर चाहिए, जिसका भी एक्सपेरिमेंट और चाहिए, प्लीज़ कमेंट करिए, हम आपके एक्सपेरिमेंट्स को ज़रूर पिक करेंगे। और चलिए मिलते हैं इस तरह कुछ अगले कुछ अमेजिंग एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द क्लैशिंग केव।